हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में तीसरे सेगमेंट, जिसका नाम है भारत का संविधान और पॉलिटी, उसके अंतर्गत आने वाले कई सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस सेगमेंट्स में उत्तराखंड से रिलेटेड तमाम ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें कि यहाँ के भूगोल, यहाँ की राजनीति और यहाँ के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। तो अब हम अपने इस तीसरे टॉपिक के अंतर्गत, तीसरे सेगमेंट के अंतर्गत जो कि संविधान और पॉलिटी का है, उसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि संविधान का भाग दो होगा, जिसमें कि नागरिकता संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। तो अब हम सीधे उसी पर चलते हैं कि हमारे पास जो संविधान है, जिसको हम कहते हैं संविधान का भाग दो, संविधान का जो भाग दो है जिसको हम नागरिकता के रूप में जानते हैं, इसको हमें यहाँ पर समझना होगा। तो ये जो नागरिकता है, इससे संबंधित काफ़ी सारी टेक्निकल बातें होंगी इसमें, जो कि ग्रुप सी एग्ज़ाम्स में शायद उतनी ना पूछी जाएं, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ रटा नहीं जा सकता है, तो उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और लोअर सबॉर्डिनेट और अपर सबॉर्डिनेट में यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें हमारे द्वारा जो चीज़ें देखी जाएंगी, तो सबसे पहले हम इसके आधारभूत ज्ञान को समझेंगे, फिर उसके बाद हम संसद द्वारा जो भारतीय नागरिकता अधिनियम में जो बातें कही गई हैं नागरिकता प्राप्त करने की और किस तरीके से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है, उसको थोड़ा देखेंगे। इसके अलावा वर्तमान में जो NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, इसको हम देखेंगे, और NPR और सेंसस के बीच के भी डिफरेंस को हम समझेंगे। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक के अंतर्गत हमें संविधान से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी है। इसमें हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से आएंगे वो पॉलिटी के अंतर्गत कवर होंगे। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक होगा वो अपने आप में संविधान से जुड़े प्रावधानों को भी कवर करेगा और पॉलिटी के अंतर्गत भी कई सारी चीज़ें हम इस ढंग से यहाँ पर देख लेंगे। तो अब सीधे हम नागरिकता के सेगमेंट को उठाते हैं। तो जब नागरिकता के टॉपिक को पढ़ा जा रहा है, तो पहला जो प्रश्न उठता है कि आखिर सिटीजनशिप कहते किसको हैं, वो लोग कौन हैं जिनको सिटीजन कहा जाता है। तो देखें, व्यक्ति के अंतर्गत अगर हम बात करें, किसी राष्ट्र की बात अगर हम करें, जैसे कि भारत की बात करें, तो इस भारत नाम के राष्ट्र में हमें क्या दिखेंगे, जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनका ब्रॉडली दो क्राइटेरिया दिखाई देगा। एक क्राइटेरिया वो होगा उन लोगों का होगा जो कि यहीं पर उनका जन्म हुआ है, यहीं पर वो लोग रहे हैं और बहुत सारी पीढ़ियों से बने हुए हैं, तो वो लोग जन्म के आधार पर ही, या कुछ और भी तरीके होते हैं जिसको हम देखेंगे, चाहे वो नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से हो, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से हो, तो इस उसको हम अलग से देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इन पर्सन, भारत में रहने वाले तमाम जितने भी रेजिडेंट हैं, उसके दो कैटेगरी दिखेंगी। एक को हम कहेंगे नागरिक, जिनको इंग्लिश में सिटीजन कहा जाएगा, और दूसरे जो होंगे भारत में रहने वाले विदेशी लोग। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा, इसके लिए फॉरनर शब्द का यूज किया जाता है। तो ये दो कैटेगरी इनकी दिखाई देगी। अब नागरिक जो होंगे, जैसे कि आप और हम जैसे लोग जो हैं, वो नागरिक की कैटेगरी में आएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा हमें, तो हमें इन विदेशियों की तुलना में भारत में ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे।
ज़्यादा अधिकार हमारे पास होंगे। कैसे अधिकार? जैसे कि राजनैतिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, ये राजनैतिक अधिकार कैसे होंगे। इसके अलावा संपत्ति से संबंधित तमाम तरह के आर्थिक अधिकार भी हमारे पास होंगे। राजनीतिक अधिकारों को देखें तो जैसे कि वोट देने का हमारे पास अधिकार होगा, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का अधिकार होगा, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार होगा। तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो हमें प्राप्त होंगे। हमें अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने का भी अधिकार होगा। तो इस तरीके का हमारे पास अधिकार हो सकता है। राज्य हमारे धर्म, जाति, लिंग इस आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं कर सकता है। तो ये ज़्यादा अधिकार इनको किनको? नागरिकों को मिलेंगे। विदेशियों के पास भी भारत में अधिकार होंगे, लेकिन थोड़े सीमित स्तर के होंगे। और इनके भी हमें एक तरीके से कुछ कैटेगरीज दिखाई देंगी विदेशी नागरिकों की भी। तो विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहे होंगे उनके दो कैटेगरीज हैं। एक होगा लीगल, लीगल कुछ नागरिक होंगे, और एक होंगे इलीगल। इस तरह का भी कैटेगरी हम कर सकते हैं। मतलब कुछ वैध विदेशी नागरिक होंगे, वैध होंगे, कुछ अवैध होंगे। अवैध का मतलब होगा कि जी जो लोग विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, अगर उनके पास भारत में रहने का वैध डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अवैध कहे जाएंगे। जैसे उनके पास जिस देश से वो आए हैं वहाँ का पासपोर्ट, भारत से मिलने वाला उनको वीज़ा, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, या हैं और उनकी तिथि, उनकी जो कट ऑफ डेट है वो समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो आएंगे इलीगल शरणार्थियों के अंतर्गत, इलीगल विदेशियों के अंतर्गत। आमतौर पर जो हम बांग्लादेशी शरणार्थियों का मुद्दा देखते हैं, इस तरह की जो बातें चर्चा में होती हैं वो यहीं पर हमें समझ में आती हैं कि ये जो लोग हैं विदेशी हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में होंगे। फिर कुछ वैध लीगल जो लोग विदेशी कहे जाते हैं, जिनके पास एक अपना पासपोर्ट होता है और दूसरा उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ होता है, मतलब उनके पास जो वैध डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो समाप्त नहीं हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों को उस उतनी अवधि तक भारत में रहने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, विदेशी जो होते हैं वो एक तरह से वैध विदेशियों के रूप में आते हैं। तो इस तरह के हम एक क्राइटेरिया हमने देखा कि जिसको हम भारत कहते हैं उसमें जो व्यक्ति हैं, पर्संस हैं, उनकी दो कैटेगरी दिखती है, एक नागरिकों की जिनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है और दूसरा विदेशियों को जिनको सीमित अधिकार प्राप्त होता है। इसी तरीके से जो विदेशी हैं उनकी एक क्राइटेरिया और है, एक हुआ मित्र देश का विदेशी और एक हुआ शत्रु देश का विदेशी। तो मित्र और शत्रु की परिभाषा भारत के संविधान में जो दी गई है बहुत महत्वपूर्ण हमें देखना होगा कि शत्रु उसको कहते हैं, शत्रु देश का नागरिक वो हुआ जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो परमानेंट मित्र को ही हुआ ना ही परमानेंट शत्रु को ही हुआ, जिसके साथ युद्ध चल रहा हो बस उस देश का नागरिक हमारा शत्रु माना जाएगा, शत्रु देश माना जाएगा वो देश। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। इसके बाद अब हम एक नए लेवल पर चलेंगे, थोड़ा इस टॉपिक को और गहराई से देखेंगे, और वो होगा कि भाग दो के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं जो कि सीधे नागरिकता से जुड़ते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बीच में ये भी देख लेते हैं कि जैसे यहाँ लिखा है कि ज़्यादा अधिकार हैं, तो नागरिकों को कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों के पास हैं, थोड़ा उसको मैं और बता देता हूँ। तो विदेशियों को भी जब वो भारत आते हैं तो उनको कई तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं, एक मानव होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, लेकिन फिर भी नागरिकों को खास तरह के अधिकार हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन से राइट केवल नागरिकों को प्राप्त हैं।
तो यहां पर हम समझ सकते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार, केवल नागरिकों को प्राप्त जो अधिकार हैं वो क्या हैं ये हम देखते हैं। तो केवल नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं अगर उनकी एक सूची बनाई जाए तो इस तरीके से यहां पर हमें देखना है कि बस अभी मैं सिर्फ आर्टिकल बता देता हूं, जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तब इसको हम बहुत डिस्कस कर लेंगे कि एक तो हमारे पास जो आर्टिकल 15 है जो ये कहता है कि जो राज्य है वो किसी तरह का विभेद नहीं करेगा। अब वो विभेद के कुछ पॉइंट हैं उनको हम देख लेंगे, लेकिन ये जो विभेद होगा ये विदेशियों के साथ किया जा सकता है उनकी जाति उनके धर्म के आधार पर। तो इस तरह का विभेद नागरिकों के बीच में नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल 15 के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा एक हमारे पास आर्टिकल 16 है जो किससे जुड़ा है, लोक नियोजन से जुड़ा हुआ है। ये सब मूल अधिकार वाले सेगमेंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो केवल नागरिकों को विदेशियों से की तुलना में जो ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुए हैं उसमें आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 जुड़ता है। इसके अलावा सीधे जो हैं आर्टिकल, अगर हम बात करें आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 जो है वो एक तरह का एक यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो बातें लिखी गई हैं वो जिसमें कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें विदेशियों को नहीं मिली हुई हैं। तो यहाँ पर हम देख लें कि केवल नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों को नहीं हैं वो हमने यहाँ पर देखे। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की, जो कि हम अगर संविधान को देखेंगे तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है वो संस्कृति भाषाई एवं सांस्कृतिक संबंधी जो अधिकार हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये भी केवल यहाँ के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमने बातें देखी। इसके अलावा वोटिंग राइट्स जो हैं, वोटिंग राइट्स चाहे लोकसभा विधानसभा के चुनाव की बात की जाए तो वो भी केवल यहाँ के नागरिकों को प्रदान की गई है। तो इस तरह के का हम यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ सकते हैं जो केवल और केवल यहाँ के नागरिकों के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जो सर्वोच्च पद हैं उन पर केवल यहीं के नागरिक बैठ सकते हैं, जो सर्वोच्च पदों की बात की जाए जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, इस तरह के जो पद हैं इन पर न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनको ही राइट्स होगा इस तरह के सर्वोच्च पदों पर बैठने का। तो दूसरा हमारा ये जो पॉइंट्स था नागरिकता से जुड़ा हुआ वो यहाँ पर थोड़ा कवर होता है, जिसमें कि हमने ये देखा कि देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके जो दो क्राइटेरिया हैं, एक सिटीजन वालों का और दूसरा फॉरनर्स का, विदेशियों का, तो उनके लिए ऐसे कौन से हमारे पास अधिकार हैं जो केवल और केवल सिटीजन्स को मिले हुए हैं। तो उसमें हमने देखा हमारे पास अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 29 और 30 जैसे ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वोटिंग राइट्स हो गया या विभिन्न तरह के जो सार्वजनिक पद हैं उन पर आसीन होने की जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ नागरिकों को दी गई है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशियों को वो चीज़ नहीं दी जा सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा नागरिकता के अंतर्गत कवर होता है। तो ये एक टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है, चीज़ें बहुत सिंपल हैं संविधान के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर पॉलिटी के सेगमेंट को भी इससे जोड़ा जाए, कौन से कानून बने, उसमें क्या बातें लिखी गई, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत आ रही है, तो
तब जाकर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का टॉपिक हो जाता है। तो उसी को हम परत दर परत उसको समझ रहे हैं, और इससे ग्रुप सी से लेकर जितने भी एग्ज़ाम हैं अपर लेवल तक के वो सारे कवर होंगे। तो ये एक 1.5 घंटे का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है परीक्षा के, विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो दो चीज़ें हमने जो समझी, अब इसके बाद तीसरी जो बात समझ रहे हैं वो है संविधान के दृष्टिकोण से नागरिकता। संविधान में, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, संवैधानिक प्रावधान, इसको हमें देखना है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि संविधान का भाग दो किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से। तो ये जो सिटीजनशिप है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के तमाम प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। लेकिन ये जो जितने भी प्रावधान हैं उसमें अधिकतर जो प्रावधान थे वो यही बताने के लिए संविधान में जोड़े गए थे कि कौन भारत का नागरिक होगा 26 जनवरी 1950 को। तो इसी से जुड़े हुए कुछ हमारे पास आर्टिकल्स हैं, वो देखते हैं। तो सारे हमें नहीं देखने हैं, ये सारे आर्टिकल्स हमें नहीं देखने हैं, हमें देखना है कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 5 की बात की जाएगी, आर्टिकल 6 की बात की जाएगी, इसी तरीके से आर्टिकल 7 की बात भी की जाएगी, और इसके अलावा आर्टिकल 9 की बात, और एक और आर्टिकल हमारा आएगा आर्टिकल 11 की बात भी होगी, इसको हम आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, इनकी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें, तो आर्टिकल 5 जो है वो ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन लोग, कौन कौन व्यक्ति जो उस समय के भारत में रह रहे हैं, भारत के भूभाग के अंतर्गत रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक होंगे। तो उसके बारे में जो बातें बताई गई हैं वो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत बताई गई हैं। उसमें बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना, बस ये समझ लें कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिकों को की सूची के अंतर्गत कौन लोग शामिल होंगे वो इसके अंतर्गत रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम आर्टिकल 6 की बात करें, तो इस आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 के अंतर्गत वो लोग आएंगे जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान से लेकर कहाँ आ गए थे, भारत में आ गए थे। तो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से उनका जो आगमन है वो भारत हो चुका था, कब तक, इसकी भी एक डेट है, इसकी डेट है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 तक वो लोग भारत आ गए थे। तो एक जो पूरा इसका जो क्रक्स है वो यही है कि ऐसे लोगों को भारत का नागरिक मान लिया गया था, लेकिन एक आध और कंडीशनें थी, उसमें हमें नहीं जाना है, इसको हमें यहाँ पर समझ लेना है। अगली जो चीज़ है आर्टिकल 7 की बात करते हैं, तो ऐसा माना गया कि जो लोग मार्च 1947 तक, मतलब ये भारत का विभाजन होने वाला है, इससे पहले ही भारत से पाकिस्तान चले गए हों, और फिर ये जो डेट है 19 जुलाई 1948, उससे पहले ही कहाँ आ गए हों, भारत आ गए हों। तो ये भारत से पाकिस्तान जाना और फिर पाकिस्तान से फिर भारत आ जाना, ये दिखाता है आर्टिकल 7 के अंतर्गत जिनको नागरिकता दी गई थी। अब ये कुछ डेट्स हैं, इस डेट्स के बाद जब लोग आए तो उनकी क्या व्यवस्था रही, उतना हमें टेक्निकल चीज़ों को नहीं देखना है, हमें बस एक ओवरव्यू रखना है कि ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो सब क्या बातें करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और हमें ध्यान रखना है कि ये किसी तरह का कोई लीगल एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बनाए जा रहे हैं। ये जो वीडियो हैं खास तौर से जो भारतीय संविधान से जुड़ा पोर्शन है वो ग्रुप सी एग्ज़ाम
लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो ये पीसीएस जे लेवल तक की चीज़ें नहीं हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुत सारगर्भित तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। अब हम अगर बात करते हैं आर्टिकल 9 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 9 जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है नागरिकता से जुड़ा हुआ, और इसमें अगर जो बातें हम देखते हैं वो यही हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता किसी और देश की अगर नागरिकता वो प्राप्त कर लेता है तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 9 के अंतर्गत चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसको अभी हम आगे देखेंगे, आर्टिकल 11 को 10 और 11 दोनों देखना है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास कुल मिलाकर भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के जो प्रावधान हैं वो कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत हद तक उसी 26 जनवरी 1950 तक जो लोग भारत के नागरिक बनने की योग्यता रख रहे थे उनसे जुड़े हुए चीज़ें हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि यहाँ के कौन कौन से लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। 6 ऐसी व्यवस्था करता है कि जो लोग विभाजन से के समय पाकिस्तान से भारत आए उनको कैसे नागरिकता मिल गई। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो लोग 17 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चले गए और विभाजन होने के बाद फिर भारत आ गए उनको नागरिकता देने की चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 5, 6, 7 में लिखी गई हैं। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत है कैसे नागरिकता थोड़ी सी छीनी जा सकती है, किस तरीके से अगर वो स्वेच्छा से वो किसी और देश की नागरिकता ले लें। अब 2 प्रावधान और यहाँ पर बचे हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही अधिकार देते हैं संसद को कानून बनाने का, तो वो हम देखते हैं। तो अभी तक जो हमने चीज़ें संविधान के अंतर्गत नागरिकता से जुड़ी हुई देखी हैं तो ये है जो कि बहुत सीमित रूप में लिखी है, और उस समय जो संविधान निर्माता थे उनके पास बहुत सारी चीज़ें नागरिकता से जुड़ी हुई बताने के लिए और कुछ था ही नहीं। उनके पास सबसे पहली चुनौती थी कि किसको हम नागरिक माने उस समय और किसको नहीं माने, तो उसका उन्होंने ब्यौरा यहाँ पर दे दिया और बाकी चीज़ें सब संसद पर छोड़ दी। तो आर्टिकल 10 जो है भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 10 है और भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 11 है, ये 2 अनुच्छेद जो दिए हैं इनकी अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं और यही व्यवस्थाएं हमें थोड़ी समझनी हैं। जो आर्टिकल 10 है वो ये कहता है कि नागरिक कौन होगा भविष्य के बारे में है, इसका निर्धारण करने के लिए संसद के पास पावर होगी कि संसद जो है वो कानून बनाकर ये निर्धारित कर सके कि कौन नागरिक होगा। तो कौन नागरिक होगा ये बातें बताने के लिए संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। और जो ये कानून है ये आर्टिकल 10 के अंतर्गत किसको पावर दी गई है, संसद को पावर दी गई है। संसद को पावर है, ये किसी विधानसभा विधानमंडल को नहीं है, ये भारत के राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है, ये किसको है, संसद के पास पावर है। प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है नागरिकता डिफाइन करने के लिए। तो ये आर्टिकल 10 हो गया। इसके अलावा आर्टिकल 11 भी इसी से जुड़ता हुआ प्रतीक होगा कि अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किसी विदेशी नागरिक के द्वारा और किस तरीके से भारत के नागरिक अगर कोई है उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है अगर उसने प्राप्त करी है और गलत तरीके से प्राप्त करी है, कुछ प्रावधान हैं। तो ये सारी चीज़ों का निर्धारण जो है ये भी संसद के पास है। तो ये बात जो है वो आर्टिकल 11 के अंतर्गत लिखी गई है। तो इस तरीके से संविधान में नागरिकता से जुड़े हुए जो हमारे पास प्रावधान थे वो हमने देखे अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। अब
थोड़ा सा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात है वो हमें देखनी है, और वो ये है कि थोड़ा हमें कंपैरिजन देखना है नागरिकता का किस में, अमरीकी संविधान बनाम भारतीय संविधान। अब कंपैरिजन देखना है किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के आधार पर एक कंपैरिजन देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल अमेरिका में जो संविधान बनाया गया है वो दोहरी नागरिकता की बात करता है। तो अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, और दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो जो नागरिकता का मुद्दा है वो थोड़ा विभेदीकृत है और उसको समझना है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। तो कई बार ये प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में कि भारत में किस तरह की नागरिकता है, तो ये जो है हमें समझना है। तो भारत में नागरिकता और अमेरिका में जो नागरिकता है उसको हमें अच्छे से तरीके से समझ लेना है। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसको हमें देखना चाहिए। तो ये नागरिकता के दो रूप क्या हैं इसको हमें देखना है। तो देखें, जो हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या है, यहाँ का जो संघ है उसके लिए पहले ही मैंने बताया है कि फेडरेशन शब्द का यूज किया गया है। मतलब यहाँ पर जो संघ है और जो राज्य की इकाइयाँ हैं, ये सारी राज्य हैं अमेरिका में, टोटल 50 राज्य हैं वहाँ पर। तो जो नागरिक होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ जो व्यक्ति होते हैं वो दो तरह की नागरिकता लेते हैं, एक तो अमरीकी संघ की और दूसरा वो जिस राज्य में रह रहे हों, जैसे कि कैलिफोर्निया में या दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर जो वो रह रहे हैं वहाँ की इनको नागरिकता लेनी पड़ती है। तो ये जो व्यवस्था है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अमेरिका में एक व्यक्ति के पास दो नागरिकता होती है, एक तो अमेरिकी संघ की और दूसरा उस राज्य की जहां पर वो निवास कर रहा हो, तो इसको हम कहते हैं दोहरी नागरिकता। वहीं भारत में क्या है कि एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि भारत में जो नागरिक होंगे वो केवल और केवल भारत के नागरिक कहे जाएंगे, वो किसी राज्य के नागरिक नहीं होंगे कि ये उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और ये उत्तराखंड के नागरिक हैं। उनको सिर्फ एकल नागरिकता होगी कि संपूर्ण भारत के नागरिक हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक व्यक्ति जिसको अमेरिकी संघ की भी नागरिकता होती है और दूसरा वो जिस स्टेट में रह रहा है अमेरिका के अंतर्गत वहाँ की भी उसके पास नागरिकता देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति टेक्सास का है तो उसको टेक्सास की नागरिकता होगी और उसके साथ साथ अमेरिका की भी नागरिकता होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे नागरिकता से जुड़े हुए। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत में एकल नागरिकता है, इसको हमें यहाँ पर देखना था। अब हम नागरिकता से जुड़े हुए जो हैं वो अधिकतर जो प्रावधान हैं वो हमें अब पॉलिटी के दृष्टिकोण से देखने हैं। तो
हमने ये देखा है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 11 था, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 11 था, इसने किसको पावर दी थी? संसद को पावर दी थी कि वो संसद नागरिकता अर्जन के, नागरिकता की समाप्ति के क्या कर सके? प्रावधान बना सके। तो इसी तरीके से संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया। अब ये जो अधिनियम था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है। इसको सबसे पहले देखा जाए तो 1987 में संशोधित किया गया, फिर उसके बाद इसको 1992 में संशोधित किया गया, उसके बाद 2003 में भी इसको संशोधित किया गया, और फिर इसको हमने देखा है कि 2019 में भी संशोधित किया गया है CAA के माध्यम से। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वो नागरिकता से संबंधित तमाम पहलुओं को देखता है। ये एक बात हमें समझनी है कि किस तरीके से नागरिक नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, कोई व्यक्ति नागरिकता का जो लेवल है वो लगवा सकता है, ये सारी चीज़ें इसी कानून के अंतर्गत है। इसके अलावा हमें इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान है उनको देखना होगा। तो ये हमारे टॉपिक्स की एक और गहराई है, तीसरा एक हमारा लेवल है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किस तरीके से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो याद रहे, ये जो प्रावधान है, ये अधिनियम बनाकर बताए गए हैं, ये संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में बस अनुच्छेद 11 में ये बात कही गई है कि नागरिकता के अर्जन और नागरिकता की समाप्ति संबंधी प्रावधान संसद को बनाने का अधिकार है, और उसी के तहत संसद ने ये कानून बनाया है। तो अब इसको हमें थोड़ा डिटेल से देख लेना है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरीज होगी किसकी? उसको हम कहेंगे नागरिकता के अर्जन की। नागरिकता के अर्जन की, और एक होगा नागरिकता की समाप्ति की। ये दो हमारे पास कैटेगरीज होंगी। और एक चीज और देखनी है कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, ये अधिनियम है तो पारित कहाँ से हुआ होगा? संसद से। तो इस संविधान में नहीं उल्लेखित है। भारत का संविधान नागरिकता संबंधी प्राप्ति और उसकी समाप्ति संबंधी प्रावधान नहीं करता है, वो बस कह देता है कि संसद कानून बनाकर ये चीज कर सकती है। तो इसीलिए संसद ने क्या करा था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया था। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो इसको हमें डिटेल से देखना है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, यहाँ पर मैं बनाते जाऊँगा और हर टॉपिक्स को, हर जो पॉइंट्स होंगे उसको फिर
हटा दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा। तो भारत में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का जो एक तरीका है, वो सबसे पहला जो तरीका है उसको हम कहते हैं जन्म के आधार पर। तो भारत में जो नागरिकता मिलती है उसका सबसे साधारण रूप जो है वो है जन्म के आधार पर। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो यहाँ पर यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अगर वो पैदा हुआ है तो वो क्या होगा, वो भारत का नागरिक होगा, ये बात कही गई है। या हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक होगा। या इसमें एक चीज़ और थी कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होने चाहिए, ये चीज़ें भी बाद में जुड़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। अभी हम ये समझ लें कि नागरिकता के अर्जन से संबंधित जो पहला हमारा टॉपिक था कि नागरिकता प्राप्त करने का जो तरीका है जिसको हम कहते हैं जन्म के आधार पर, वो हमारा यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन होता चला गया और उसको भी हमें देखना है। तो जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिलती है उसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ें थीं, ये जो बातें थीं, वो एक तरीके से ‍1950 से लेकर 1987 तक ऐसा ही रहा कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक हो जाएगा। फिर इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया, इसमें कहा गया कि 1 जुलाई 1987 के बाद अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है के बाद, इसके बाद 1 जुलाई 1987 के बाद अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसको नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। तो दो चीज़ें हैं, जन्म के आधार पर नागरिकता के अंतर्गत ये जो पहला पॉइंट था वो हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन ये कंडीशन 1987 तक रही। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लेने वाले जो लोग होंगे उनको नागरिकता जो है वो तभी मिलेगी जब उनके पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो ये कंडीशन थी। अब ये कंडीशन जो है वो 2004 तक ऐसी ही बनी रही। 2004 दिसंबर के बाद जो लोग जन्म लेते हैं उनको नागरिकता केवल इस आधार पर मिलती है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से दोनों या तो भारत के नागरिक होने चाहिए या एक नागरिक हो और दूसरा अवैध नागरिक ना हो। तो बहुत छोटी छोटी इसमें बातें हैं जन्म के आधार से नागरिकता लेने के लिए। सिंपल बात ये थी कि 1987 से पहले कोई भी व्यक्ति जो यहाँ जन्म लेता था अगर वो राजनयिक नहीं है, राजनयिक की संतान नहीं है, तो उसको नागरिकता मिलती थी। लेकिन 1987 के बाद व्यवस्था ये हुई कि जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी था। ये व्यवस्था 2004 दिसंबर में बदली गई और ये हुआ कि जन्म लेने वाले व्यक्ति के दोनों जो हैं माता पिता हैं दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए या एक नागरिक हो और दूसरा अवैध नागरिक ना हो।
तो शरणार्थी अवैध शरणार्थी ना हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कही गई हैं, ये नागरिकता के अर्जन से संबंधित बातों को बताती हैं। तो भारत में नागरिकता के अर्जन का जो सबसे पहला पॉइंट था जन्म के आधार पर, उसको हमने इन पॉइंटों में समझा है, और इसके जो डेट्स हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो जो लोग भारत में 2004 के बाद जन्म लिए हैं, उनको अपनी नागरिकता बताने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स भी भारत के नागरिक रहे थे, और अगर जो लोग 2004 से पहले जन्म लिए हैं और 1987 के बाद, उनको बस ये दिखाना होगा कि वो उनके पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। तो ये सारी व्यवस्था जन्म के आधार पर नागरिकता से जुड़ी हुई है। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरा जो पॉइंट है वो है, तो एक हमने देख लिया नागरिकता अर्जन का जन्म के आधार पर, दूसरा आता है पंजीकरण के आधार पर। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। तो जो लोग भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं उनको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता भी मिलती है, तो ये एक दूसरा रूप हो गया। इसकी जो डेट्स हैं वो उतनी महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं होंगी यहाँ पर। हम जो तीसरा चीज़ देखते हैं वो है वंश के आधार पर। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे हों, तो वो अपने वंश के आधार पर भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। ये तीसरा यहाँ पर पॉइंट है जो हम समझ सकते हैं। लेकिन जो चौथा हमारे पास है वो हिस्सा, उसको कहते हैं प्राकृतिक आधार पर। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरलाइजेशन। इसको हमें देखना होगा क्योंकि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत भी थोड़ा परिवर्तित हुआ है, तो इसी को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखें, नागरिकता के अर्जन के ये सारे तरीके हमें नाम सहित पता होने चाहिए। इसमें नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको दिसंबर 2021 में इस नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस के तहत भारत की नागरिकता लेनी है, तो उसे क्या करना होगा कि दिसंबर 2021 से 12 माह पहले, मतलब दिसंबर 2020 से लगातार भारत में रहना होगा। तो ऐसे व्यक्ति को दिसंबर 2021 से 12 माह पहले दिसंबर 2020 तक लगातार 12 माह तक रहना पड़ेगा, मतलब लगातार एक साल, और इस दिसंबर 2020 से पिछले 14 वर्षों में से मतलब दिसंबर 2006 मान लेते हैं, 2006 दिसंबर 2006 से लेकर इस दिसंबर 2020 के जो 14 वर्ष हैं, इनमें से कम 11 वर्षों तक भारत में वो व्यक्ति रहा हो। ये कंडीशंस, ये जो दो कंडीशंस हैं वो पूरी करता है अगर वो नागरिक, अगर वो व्यक्ति, तो उसको प्राकृतिक आधार पर नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस के आधार पर क्या मिल सकता है, भारत की नागरिकता मिल सकता है। इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, उसको भी हम देख लेंगे कुछ लोगों के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है वो यही है कि आवेदन के 12 माह पूर्व तक उस व्यक्ति को भारत में लगातार रहना होगा, और इस 12 माह के आवेदन की जो अवधि है, जो ये 12 माह का पीरियड है, इससे 14 वर्ष पूर्व जितना भी समय है उनमें से कम 11 वर्ष जो हैं वो भारत में रहने होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं, इस आधार पर उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अब
अगली चीज जो है वो हम देखते हैं, जो पांचवा स्वरूप है नागरिकता प्राप्त करने का वो है, जिसको हम कहते हैं अधिग्रहण, अधिग्रहित क्षेत्र। तो अगर भारत के द्वारा किसी एक नए इलाके को अधिग्रहित किया जाता है तो वहाँ के लोग अपने आप भारत के नागरिक हो जाते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं पुदुचेरी की, तो जैसे वो फ्रांस की एक कॉलोनी थी, बाद में उसको एक अपने अधीन रखा गया, तो वहाँ के नागरिकों को भारत का नागरिक बनाने के लिए 1962 में एक आदेश पारित किया गया था, जो कि इसी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के ही अधीन था। तो वहाँ के लोग अपने आप भारत के नागरिक बन गए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ लेनी हैं। तो अधिग्रहित क्षेत्र में हम पुदुचेरी का उदाहरण दे सकते हैं। तो बहुत सी बातें मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन उनको बता रहा हूं। तो इस तरीके से तो प्रश्न होगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के यहां पर पांच तरीके हमें दिखाई देते हैं। अब दूसरी तरफ है नागरिकता की समाप्ति। तो क्या नागरिकता समाप्त भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसके क्या तरीके हैं? उसका सबसे पहला तरीका ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता कैसे स्वेच्छा से, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता समाप्त कर देता है, त्याग देता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो एक तो ये हम देख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति नागरिकता स्वेच्छा से त्यागता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। दूसरा जो पॉइंट है नागरिकता से संबंधित वो है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत दस्तावेजों के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो उसकी नागरिकता एक तरह से बर्खास्त कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। और तीसरी चीज़ यहाँ पर और भी यहाँ जुड़ती हैं जो हमें समझना है नागरिकता से जुड़े टॉपिक में, कि अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो देखी गई हैं, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा हम ये देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इसको थोड़ा करेक्ट करना यहाँ पड़ेगा, थोड़ा मिक्स हो गया यहाँ पर। तो ये हम यहाँ देखते हैं कि जो नागरिकता समाप्त करने का एक जो तरीका है बर्खास्तगी के द्वारा, वो ये है कि अगर कोई नागरिक भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो अपनी नागरिकता वो स्वेच्छा से चेंज कर दे, बदल दे, त्याग दे, तो वो तरीका। दूसरा, अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता भारत की नागरिकता के साथ प्राप्त कर ले तो जो उसकी भारत की नागरिकता है वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ों से उसे वंचित करना होता है नागरिकता में। अगर उसने गलत प्रमाण पत्र लगाकर, जिसकी बात मैंने अभी करी थी, वो यहाँ पर रखा जाएगा, या उसको उसने कोई कानून तोड़ दिया है, कानून के उल्लंघन उसने कर रखा है, तो ये जो तरीके हैं वो ये बताते हैं कि वो अपनी नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक तो नागरिकता बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, और जब मिलेगी तो उसे बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कानून का अनुपालन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत पांच तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, और तीन ब्रॉड तरीके हैं जिनके तहत नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम यहां पर देख रहे हैं। यहां ये भी देख लें कि जो वंचित करना है तो उसमें एक तो गलत प्रमाण पत्र के आधार पर उसने नागरिकता प्राप्त करी है और जांच हुई तो फिर उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। दूसरा, वो विदेश में कहीं रह रहा
और वहाँ उसने कानून तोड़ा और वहाँ पर उसे 2 वर्ष की सज़ा हो गई, तब उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। और तीसरी चीज़, अगर नागरिकता के लिए जब उसे नागरिकता मिल गई तो उसके बाद वो लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो, तो ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये हमारा एक यहाँ पर टॉपिक था, उसको हमने देखा। अब इसमें जो चौथा हमें पॉइंट देखना है नागरिकता से संबंधित, उसको जरा हम कवर करते हैं। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो है OCI प्लस PIO। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको हम कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता था समुद्र पारीय नागरिक, भारतीय नागरिक। और दूसरा जो PIO है वो है भारतीय मूल के नागरिक। तो सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन का मतलब क्या था, ये 2015 से पहले की स्थिति में बता रहा हूँ। 2015 से पहले क्या होता था, ये दोनों कैटेगरी अलग अलग होती थी। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या होते थे कि जो लोग, जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे हों, या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या पेरेंट्स हो गए, ये लोग भारत के नागरिक रहे हों। अभी वर्तमान में जो ये व्यक्ति हैं ये विदेशी नागरिक हैं, वर्तमान में तो ये विदेशी नागरिक हैं, वर्तमान में विदेशी नागरिक हैं, कहीं और रह रहे हैं, और इन्हें OCI कार्ड प्राप्त करना है। तो उसके लिए कंडीशन थी कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स कोई भी कभी भारत का नागरिक रहा हो, और ये लोग ना तो पाकिस्तान और ना ही बांग्ला देश के कभी नागरिक रहे हों पहले, तो इन्हें OCI कार्ड दे दिया जाता था। तो ये ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कार्ड मिलता था, इसके अंतर्गत कुछ इन्हें सुविधाएं मिलती थी जो कि अन्य विदेशियों से अलग थी। इनको बार बार मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता था, इन्हें कई दिनों तक भारत में रहने की परमिशन रहती थी, इन्हें एक रेस्ट्रिक्शंस पहले लगा होता था कि इनको रीजनल, जो फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता था वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अब ये कंडीशन हटी है, वो अलग बात है। तो ये सारी व्यवस्थाएं होती थी। इसी तरीके से भारतीय मूल के नागरिक वो होते थे जिनके पास कभी भारत का पासपोर्ट कभी रहा हो, और दूसरी तरफ इनके जो ग्रेट या कोई ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, पेरेंट्स रहे हैं, वो भारतीय अधिनियम 1935 के पारित होने से पहले का जो अविभाजित भारत था, जिसमें कि पाकिस्तान और ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल नहीं होनी चाहिए, तो उनको PIO मिल जाता था। तो ये छोटी सी बात थी, लेकिन 2015 में OCI को PIO से मिला दिया गया है। तो 2015 में, 2015 में OCI को PIO से मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो ये बात हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर समझनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर 3 चीज़ें देखनी हैं, एक NPR,
दूसरा एनआरसी और तीसरा सीएए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीएए क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पॉइंट्स देख लेने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये 2019 का अधिनियम है, इसको थोड़ा सा हमें देखना है। तो इसके बारे में हमें तीन बहुत बुनियादी बातें देखनी हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक व्यवस्था करी गई कि जो लोग अवैध शरणार्थी हैं कहां से, तीन जगहों से आए हुए, एक बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए, मतलब दिसंबर 2014 तक जो भी अवैध शरणार्थी हैं, जिसमें कुछ रिलीजन्स हैं हिंदू, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, तो ये जो छह रिलीजन हैं जिसमें कि मुस्लिम शामिल नहीं हैं, तो ये जो देश हैं इस्लामिक रिपब्लिक हैं, इस्लामिक हैं, और इस्लामिक देशों में जो ये लोग रहे हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर इन्हें इन देशों से, इन तीन देशों से हटकर भारत आना पड़ा, शरण लेनी पड़ी। इनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए अवैध शरणार्थी हैं, तो इनको सीएए के माध्यम से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि इनको नागरिकता दे दी गई। कैसी? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को क्या बना दिया गया? भारत का नागरिक बना दिया गया। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये 5 अगस्त 2019 का एक्ट है और इसी दिन इनको नागरिक की संज्ञा दे दी गई, भारत का नागरिक बना दिया गया। तो ये बातें दे रखी हैं सीएए के अंतर्गत। इसके अंतर्गत एक और कुछ बातें हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये सारे टॉपिक जो हैं वो नागरिकता से ही जुड़े हैं, तो इनको मैं यहीं पर कंपाइल कर दिया है, यहाँ बताया जा चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी एक्ट के अंतर्गत जो मैंने नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस बताई थी, जिसको हम प्राकृतिक आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का जो तरीका था कि जिसमें लगातार 12 माह आवेदन से पहले के लगातार जो 12 माह हैं वो रहने हैं, और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष तक भारत में वो व्यक्ति रहा हो, ये कंडीशन जो 14 वर्ष की है और 11 वर्ष की है, इसको घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है इन तीन देशों से आने वाले लोगों के लिए। तो ये भी बातें यहाँ पर हमें समझनी चाहिए सीएए से जुड़ी हुई। अब इससे जुड़े हुए क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या बात हैं, वो इस वीडियो में कवर नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मतलब किस में अमेंडमेंट हुआ होगा, ये 1955 का जो कानून था उसमें अमेंडमेंट किया गया। इसमें हमें याद रखना है कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इन देशों में, उनको शरण दी गई है, जिसमें कि अधिकतर लोग जो थे या तो धार्मिक पीड़न की वजह से या उसके डर की वजह से भारत आ गए थे, और उनको अवैध शरणार्थियों के अंतर्गत रखा जाता था, तो उनको नागरिकता प्रदान कर दी गई है। तो ये था सीएए।
अब दूसरा पोर्शन जो है वो है एक एनपीआर और एनआरसी, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो ये दोनों चीज़ें भी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं कि एनपीआर क्या होता है और एनआरसी क्या होती है। तो एनपीआर जो है, जिसका उल्लेख जो है, वो एक तो भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के भी अंतर्गत है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के भी अंतर्गत है। और इसके अलावा नागरिकता नियम 2003 में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो ये क्या है कि एक हमारे पास क्लॉज है 14A करके, वो ये कहता है कि भारतीय नागरिकों का एक तरीके से, जो नागरिक हैं उन नागरिकों को एक हम कह सकते हैं कि उनका पॉपुलेशन रजिस्टर क्रिएट करना, कि कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, निवासी जो हैं उनका एक रजिस्टर बनेगा। तो वो चीज़ें इसी में हैं। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो एनपीआर होता है वो एक यूजुअल रेजिडेंट रजिस्टर होता है, मतलब जो यहाँ के आम निवासी हैं। अब वो नागरिक हैं कि नहीं है ये नहीं पता है, उसमें नागरिक भी शामिल हैं और विदेशी भी शामिल हैं, दोनों शामिल हैं एनपीआर में। तो नेशनल, जो लोग रह रहे हैं निवासी हैं, उनकी एक संख्या पता चलती है कि जो लोग किसी जगह पर 6 माह से अधिक समय से रह रहे हैं या रहने की इच्छा है, तो वो लोग एनपीआर के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। आम निवासी होते हैं जिसमें नागरिक भी शामिल होते हैं, विदेशी भी शामिल होते हैं। तो ये एनपीआर का जो क्लॉज है, ये क्लॉज 14A के भी अंतर्गत है। और उसी में बताया गया है कि जो ये एनपीआर है ये एनआरसी का एक पहला कदम साबित होता है, कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नागरिक कौन कौन है और विदेशी कौन है, और फिर उसमें से विदेशियों को अलग करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं राष्ट्रीय रजिस्ट्रार जनसंख्या रजिस्टर के रूप में जानी जाती है। और एक चीज़ हमें ये भी देखना है कि एक नाम आता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये एक पद है, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, भारतीय जनगणना आयुक्त। ये जो पद है ये एक तरीके से एनपीआर भी तैयार करता है, एनआरसी भी तैयार करता है। तो यहाँ पर हमने जो एनपीआर से संबंधित चीज़ें देखी वो ये थी कि एनपीआर जो है वो भारत में रहने वाले लोगों का एक रजिस्टर है, जिसमें कि आम निवासी जो हैं, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी हों, दोनों शामिल हैं, जो कि वहाँ पर भारत में 6 माह से अधिक किसी एक स्थान पर रह रहे हों वो शामिल होंगे। इसका उल्लेख नागरिकता अधिनियम और जो कि नागरिकता रूल था उसके अंतर्गत है, उसमें 14A क्लॉज जोड़ा गया था। एनपीआर पहला स्टेप है एनआरसी की तरफ बढ़ता हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। अब दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि एनपीआर जो है वो एनआरसी से कैसे अलग है। तो एनआरसी जो है नागरिकों का एक ब्योरा है, इसमें इसमें विदेशी नहीं शामिल है। तो पहला अंतर तो एनआरसी का यही हो गया कि नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन है ये, इसमें विदेशी शामिल नहीं है। दूसरा, अभी तक एक ही बार,
एक ही बार एनआरसी हुई है, कब हुई है, 1951 में हुई है। अब कहा जा रहा है कि भारत में एक और एनआरसी होगी, लेकिन अभी कोई इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं है। तो ये समझ सकते हैं कि 1951 में पहली बार भारत में एनआरसी हुई थी, सारे नागरिकों का ब्यौरा था। और दूसरा एक हमारे पास राज्य है असम। असम में एक 1985 का समझौता था, किसके बीच में, भारत सरकार प्लस जो असम की गवर्नमेंट थी वो, और प्लस कुछ संगठन थे, असम ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, असम गण परिषद, तो ये सारे जो थे इनके द्वारा था कि असम में एक एनआरसी की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि जो लोग 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहते थे वही एक असम के लोग होंगे, उन्हें असम में रहने का अधिकार होगा, वो असम से जुड़े होंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे जो असम से जुड़े हैं। तो ये बातें एनआरसी जो है वो असम में हुई थी, ये बात हम देख सकते हैं, अभी चल ही रही है, उसके आंकड़े आए हैं, जो लोग विदेशी निकले हैं। तो ये सारी व्यवस्था एनआरसी में थी। तो एनआरसी और एनपीआर के बीच में जो लिंक है वो यही है कि एनपीआर नागरिकों और विदेशियों दोनों को शामिल करता है, जबकि एनआरसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को शामिल करता है। एनपीआर एनआरसी लागू करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। तो ये सारी बातें क्लॉज 14A नियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, CAA, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक से जुड़ी हुई रही थी जो बता दी गई हैं। तो इस तरीके से हमने नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं। तो आज के टॉपिक में नागरिकता से संबंधित जितनी भी बातें थीं, नागरिकता क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और CAA, NPR, NRC, उनसे संबंधित जो बहुत मूलभूत बातें थीं जो कि इस तरह के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, खासतौर से प्रीलिम्स में, वो बता दी गई हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पर कंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक्स को उठाया जाएगा और उसको डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।